हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CDET एंड TET प्रिपरेशन में। और नई शिक्षा नीति के तहत आप लोगों को पता होगा कि देश भर में जितने भी पाड़ा शिक्षक और शिक्षा मित्र हैं उनको हटाने की बात चल रही है। आप लोग पहले भी इस चीज़ को देख चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पाड़ा शिक्षकों को मतलब स्कूल में रखने के लिए सरकार के पास क्या विकल्प है, कैसे क्या करना है, उन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आप लोगों को। हालांकि मैं इस न्यूज़ कटिंग को देखी हूँ तो मुझे लगा है कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को कि पारा शिक्षकों पर सरकार के पास विकल्प, मतलब कैसे इनको रखा जाए स्कूल में, उसके लिए क्या विकल्प है, इसको देखते हैं। टेट पास पारा शिक्षकों की नियुक्ति सरकारी शिक्षक में कर ली जाए, मतलब जितने भी पारा शिक्षक या शिक्षा मित्र है जो TET पास है उनको सरकारी शिक्षक के रूप में रख लेना है। और प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के लिए अलग से नियुक्ति परीक्षा, और जो प्रशिक्षित पारा शिक्षक हैं उनके लिए एक अलग से नियुक्ति परीक्षा ले ली जाए। नहीं तो प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में पारा शिक्षकों को प्राथमिकता, और प्राथमिक शिक्षा के लिए जो नियुक्ति परीक्षा होगी उसमें जितने भी पारा शिक्षक हैं उनको प्राथमिकता दी जाए। और अनुभव के आधार पर किसी दूसरे नाम से स्कूलों में समायोजन, और इनके अनुभव के आधार पर किसी दूसरे स्कूलों में इनका समायोजन कर दिया जाए। ठीक है, चलिए पूरी न्यूज़ को देखते हैं, सारी बातें तभी हम लोगों को समझ में आएगी। पारा टीचर के गिनती के दिन बचे हैं। 2022 तक झारखंड समेत देश भर के सभी पारा शिक्षक हटाए जाएंगे। नई शिक्षा नीति 2019 के अनुसार 2022 तक शिक्षा मित्र पारा शिक्षक नामक शिक्षा कर्मी की व्यवस्था जो है वह पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। नई शिक्षा नीति के मसौदे में कहा गया है कि अब सभी सरकारी स्कूलों में एक ही प्रकार के शिक्षक होंगे, जिनकी नियुक्ति एक निश्चित प्रक्रिया के तहत होगी। नियुक्ति प्रक्रिया इस बात पर आधारित है कि किस जगह कितने विषयों के शिक्षकों और कितने विशेष शिक्षकों की ज़रूरत है। जितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी उसके लिए व्यापक स्तर पर नियुक्ति होगी। राज्य सरकार इसके लिए प्राथमिकता से धन की व्यवस्था करेंगी। झारखंड में अधिकतर प्राइमरी स्कूल पारा शिक्षकों के भरोसे चलते हैं। इन पारा शिक्षकों की संख्या करीब 65,000 है। जाहिर है कि इन्हें हटाने से पहले नए शिक्षकों की नियुक्ति करनी जरूरी होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पारा शिक्षक को हटाने की बात नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में है, हालांकि अभी इस पर निर्देश मिलना बाकी है, इसके बारे में विस्तार से गाइडलाइन की प्रतीक्षा है। अब चलिए, 2 जनवरी 2007 के बाद नियुक्त अनट्रेंड पारा शिक्षक हटेंगे। APC 2 जनवरी 2007 के बाद जो नियुक्त हुए हैं, और वैसे पारा शिक्षक जो ट्रेंड नहीं है, अनट्रेंड है, वैसे पारा शिक्षक हटेंगे। प्रधान सचिव APC ने कहा कि झारखंड हाई कोर्ट ने फूल बेंच का एक ऑर्डर आया है, 2 जनवरी 2007 के बाद स्कूल में नियुक्त सभी अनट्रेंड पारा शिक्षक हटाए जाए। 2 जनवरी 2007 के बाद कई जिलों में गलत तरीके से पारा टीचर की नियुक्ति की गई है। एकल बेंच से इन्हें हटाने का आदेश दिया गया था, फिर फूल बेंच का भी यही आदेश आया। उन्होंने कहा कि विभाग को अभी नहीं मालूम है कि ऐसे कितने पारा शिक्षक हैं, मगर इस मामले में कोर्ट के आदेश का अनुपालन होगा। ये वेरीफाई कराया जा रहा है कि ऐसे कितने शिक्षक हैं, सभी को हटाया जाए। अब चलिए, 1 अप्रैल 2019 तक अप्रशिक्षित पारा शिक्षक हटने थे, अब तक जमे। और आप सभी को पता होगा कि 1 अप्रैल से कोई भी, पूरे इंडिया भर में कोई भी अप्रशिक्षित शिक्षक स्कूल में नहीं रखना था। इसी के लिए NIOS ने पूरे भारत में जितने भी अनट्रेंड शिक्षक थे उसको ट्रेनिंग करवाया, लेकिन फिर भी कुछ पारा शिक्षक अभी तक स्कूल में है। 1 अप्रैल 2019 तक प्रशिक्षित पारा शिक्षकों की संविदा जो है समाप्त करनी थी, पर ये सभी अब तक काम कर रहे हैं। इन पारा शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षित हो जाना था। इन्हें DL.ED की डिग्री लेनी थी, पर करीब 3500 पारा टीचर ने यह डिग्री नहीं ली, मगर ये सभी अब तक स्कूल में जमे हुए हैं। इसी प्रकार निर्धारित प्रक्रिया के पालन किए बगैर फलामू में नियुक्ति प्रक्रिया, करीब 450 पारा शिक्षकों को भी नियुक्त करीब 450 पारा शिक्षकों को भी हटाया जाना था, पर शिक्षा अधिकारियों की कृपा से अब भी जमे हुए हैं। राज्य परियोजना निदेशक ने कहा है कि इन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो कंटिन्यू मैं आप लोगों को अपडेट करती रहती हूँ शिक्षक बहाली से।
और इस तरह का जो भी न्यूज आता है टीचिंग से संबंधित, चाहे वो सीटेट को लेकर हो, किसी भी टेट को लेकर हो या बहाली को लेकर हो, तो मैं उससे अपडेट आप लोगों को करती रहती हूँ। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।